बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर ग्राम देरवालिया में बैनी नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जिले के 2 सांसद व 1 कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह लंबे समय से विधायक हैं, फिर भी देरवालिया के लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुई है। बरसात में सर्वाधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए ले जाने के दौरान होती है। देरवालिया निवासी बियान सिंह पटेल ने बताया कि आजादी के 70 साल बाद भी उक्त नदी पर पुल का निर्माण नहीं कराया जा सका है। ग्रामीण 4 साल से पुल की मांग कर रहे हैं। नदी पर पुल निर्माण को लेकर जिला प्रशासन, आरएस विभाग सहित क्षेत्रीय विधायक और सांसद को आवेदन देकर गुहार लगाई गई। उनकी ओर से आश्वासन भी मिला, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका। पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को करीब 12 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पाटी पहुंचना पड़ता है। वर्तमान में नदी बहाव कम है, इसकी वजह से स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करके निकल जाते हैं। नदी के आसपास देरवालिया समेत 1 दर्जन गांव रानीपुरा, 4 पाटिया, गारा, भेसारी, कुंभखेत, रोसमाल, रामगढ़ समेत कई गांव के लोग पाटी से इन गांव में जाने के लिए इस नदी से गुजरते हैं। बेनी नदी पर पुल नहीं होने से बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। बारिश के समय स्कूली बच्चे भी 5 से 6 दिन स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। हमारे गांव में जो बेनी नदी है, इस नदी पे पुल नहीं होने से हमारे गांव वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो जैसे जनसंख्या तो हमारे गांव में जो जैसे मांग किए हैं, तो पूरा गांव वाले मिलके ने, उस दूसरे गांव वाले मिलके ने सब हमने चर्चा करके मांग किए थे। हमको बरसात के दिन में अगर नाला भर जाता है तो हमको 8 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन ऐसा हमको नदी के उस पार रहना पड़ता है। हमको अगर जो सामग्री खत्म हो जाती है, सामान लेने के लिए जाने पार्टी, तो हमको रुकना पड़ता है, नहीं मिलता है। हमारे गांव में तो बहुत परेशानी होती है, अगर इतना जैसे गले तक पानी आ जाता है तब भी हमको झूली में खाट पे उठा के ने मुश्किल से जान पे खेल के निकलना पड़ता। हम मांग करते हैं लेकिन सरकार हमारी सुनता नहीं है। बहुत बार हम 2016 से कोशिश किए लेकिन आज तक हमारा कहीं निर्णय नहीं हुआ। बहरहाल ग्रामीणों ने अपनी परेशानी के लिए सांसद और विधायक को आवेदन देकर गुहार लगाई है, उसके बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। देखना होगा कि ग्रामीणों को पुल की सौगात कब तक मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, बड़वानी।